टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग अ इलेक्ट्रिक करेंट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन द सर्किट. इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पावर इंटू टाइम. पावर कंज्यूम बाय दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंटू टाइम. एंड वी नो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट. दैट्स वाई वी आई इंटू टी. एंड वी ऑल्सो नो वी इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ. दैट्स वाई द फॉर्मूला विल आई स्क्वेयर आर टी. आर इज द रेजिस्टेंस, टी इज द टाइम एंड आई इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल, बट कॉमर्शियली वी आर यूजिंग किलोवाट आवर एज ए कॉमर्शियल यूनिट. एंड वन किलोवाट आवर इज इक्वल टू किलो मीन्स थाउजेंड, वाट मीन्स होता है जूल पर सेकेंड, एंड वन आवर मीन्स 3600 सेकेंड. इफ यू सॉल्व, सेकेंड सेकेंड कैंसल. नाउ हियर यू सी 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो 10 to the power 6 आई हैव टेकन बिकॉज दिस इज 3.6. इन साइंटिफिक नोटेशन वी कैन राइट. सो 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 marks क्वेश्चन फॉर CBSE. ओके, सो सिंपल लैंग्वेज अगर हम समझना चाहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे आप समझो जैसे ये एक बल्ब है, ठीक है. इस बल्ब को अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये बल्ब ग्लो करता है, आपको मालूम है, ठीक है. तो आखिर ये बल्ब क्या कंज्यूम कर रहा है? ये बल्ब एक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है. तो इस बल्ब पे एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा है तो ज़रूर कोई सोर्स होगा. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, आइदर मे बी द सोर्स ऑफ डायनमो हो सकता है, ठीक है. एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायनमो, जो टर्बाइन में स्टीम पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में अल्टरनेटिंग करंट बनाई जाती है, वो भी सोर्स हो सकता है, या बैटरी भी एक सोर्स हो सकता है, ठीक है. तो वो बैटरी क्या करेगा, करंट को इससे करंट फ्लो कराएगा, मतलब चार्ज को फ्लो कराएगा. और चार्ज को फ्लो कराएगा तो वो चार्ज अपने अंदर एक एनर्जी रखती है, और वही एनर्जी आकर के इस बल्ब को देगी तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा. तो वही यहाँ लिखा गया एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स. तो अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो वो बैटरी क्या कर रहा है, एक एनर्जी सप्लाई कर रहा है. वही एनर्जी सप्लाइड एनर्जी को ये बल्ब क्या करेगा, उस सप्लाइड एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने के बाद फिर एनर्जी रेडिएट करेगा. तो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा कुछ अमाउंट में, कुछ अलग अलग फॉर्म में एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा या रिलीज करेगा. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर है क्या? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी रिक्वायरमेंट, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, अगर इसके जगह फैन रहता तो फैन घूमता, एसी रहता तो एसी से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती, हीटर रहता तो हीटिंग इफेक्ट मिलती. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट है करंट को फ्लो कराने के लिए किसी भी सर्किट में, क्योंकि करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो, और वो चार्ज अपने अंदर एनर्जी रखता है. वही एनर्जी इसको आकर के देगा, फैन रहेगा तो फैन को देगा, कोई भी चीज़ रहेगी उसको एनर्जी देगा, फिर वो चार्ज जितनी यहाँ से आई है उतनी चार्ज यहाँ पर एनर्जी देगी, फिर एनर्जी रिलीज करने के बाद ये कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद ये रिलीज कर सकता है, फिर चार्ज कहीं रुकता नहीं है, चार्ज जो आया है वही चार्ज नीचे जितनी बैटरी से या सोर्स से भी चार्ज जो आई है वो चले जाती है, लेकिन अपनी एनर्जी से दे देती है. तो वही यहाँ लिखा गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, फॉर ए गिवन टाइम, कुछ ही टाइम के लिए. इस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर के टर्म में कैसे डिफाइन किया गया, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ पावर इनटू टाइम. पावर, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर होता है, जैसे इसका कुछ पावर है, पावर इनटू टाइम, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें हम क्या देखते हैं कि एक घर के आगे एक मीटर लगा रहता है, उस मीटर का यूनिट होता है किलोवाट आवर, और उस किलो 1 kWh इज इक्वल टू 1 unit. ये बात आप याद रखना, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घर में कंज्यूम हो रही है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर. एंड 1 kWh इज इक्वल टू 1 unit, ठीक है. और 1 kWh को अगर हम जूल में चेंज करना चाहें तो इतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है. बट हमेशा याद रखना, कॉमर्शियली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, क्योंकि हमारे घर में जो बिल आता है ना, जिसे बोलते हैं 50 unit, 60 unit, इतना यूनिट हुआ, और एक यूनिट का अगर मान लो आज के डेट में अगर 8 रुपये है, तो वो यूनिट क्या है, वो यूनिट है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है इन किलोवाट आवर. ये बात याद रखना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर.
ठीक है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। कई ऐसे न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो एक बल्ब है जिसकी वोल्टेज दी गई है 200 वोल्ट, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है, उसकी पावर दी गई है 40 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का पावर के टर्म में क्या फॉर्मूला जानते हो, अगर वोल्टेज गिवन है, ठीक है, वोल्टेज गिवन है तो आप डायरेक्टली पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कर देना, तो इससे आपका ये फॉर्मूला से आपका आर निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको रेजिस्टेंस निकल जाएगा, सब कुछ दिया गया है, सॉल्व कर लेना। फिर है कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, वो एक बल्ब नहीं पांच बल्ब जो लगा गया उसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया वो हमें निकालना है। तो देखो तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, तो एन को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, एंड पावर को क्या लेना है, पावर को किलोवाट आवर में लेना है, और टाइम को किस में लेना, आवर में। तो यहाँ पर एक बल्ब का दिया गया है पावर 40 वाट, तो हम एक बल्ब के लिए अगर नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल टू पावर किसको क्या करेंगे, 40 इंटू टाइम कितना है 5 आवर के लिए, और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमें एक बल्ब का नंबर ऑफ यूनिट निकल गया। अगर 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 × 4 = 20, 25 = 1000, डेट इज 5 बल्ब के लिए ये जो नंबर ऑफ यूनिट आने वाला है ये आएगा 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट, मतलब आपके इस 5 बल्ब को जलाने के बाद 5 घंटा अगर हम इस बल्ब को 5 बल्ब को अगर 5 आवर अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे कितना यूनिट बिल आएगा हमारा, उससे यूनिट आएगा 1 यूनिट। और 1 यूनिट का प्राइस दिया गया है, 1 किलोवाट का प्राइस दिया गया है ₹5.10, तो 1 ही यूनिट बिल आया तो इसका प्राइस कितना होगा, इसका प्राइस होगा ₹5.10, ओके, ₹5.10 इज द आंसर। मतलब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी तुम्हारी कितने यूनिट, 1 यूनिट, और उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, कॉस्ट पड़ेगा ₹5.10 इतना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, ओके, थैंक यू।